हेलो फ्रेंड्स, आपकी फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक वेडिंग पैकिंग बनाएंगे जिसे हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, वेडिंग पैकिंग जो बनाएंगे उसके लिए हमें, आप देख रहे होंगे किस तरह का मैंने डेकोरेशन का सामान रखा है। सबसे पहले तो देखिए गोटे की मैंने लेस रखी है, क्योंकि वेडिंग का हम कर रहे हैं पैकिंग तो हम कुछ डिफरेंट गोटा पत्ती का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर थोड़ी हैवी पैकिंग बनाएंगे। और ये देखिए इसी तरह की एक स्क्वायर बैंगल पे मोती लिपटा हुआ है, गोटे की लेस लिपटी हुई है। ये रेडीमेड बैंगल मैंने ली है। इसमें कुछ फ्लावर्स है, देखिए आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले सकते हैं, इस तरह के गोटे के फूल ले सकते हैं, इस तरह की बूटियां ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह की आप बूटियां भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास डेकोरेशन का सामान हो आप यूज कर सकते हैं। नेट आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने दो तरह की नेट रखी हुई है, आपके पास कोई भी नेट का कपड़ा हो आप इसे यूज कर सकते हैं। कुछ हैंगिंग्स हैं, देखिए इस तरह से हमने हैंगिंग्स, ये बड़ी हैंगिंग्स है और देखिए इस तरह की हमने छोटी हैंगिंग्स भी ली हुई है इसमें लगाने के लिए। छोटी हैंगिंग्स भी आप घर पे बना सकते हो इस तरह की, बहुत सिंपल है ये देखिए आप एकदम। और देखिए स्टिक्स ली है, ये स्टिक्स आसानी से, देखिए सबसे पहली बात है बहुत लोग ने मुझसे पूछा है कि स्टिक कहाँ मिलेगी। इस तरह की स्टिक्स ऑलमोस्ट जहाँ केक बनाने का सामान मिलता है, रॉ मटेरियल जहाँ मिलता है वहां पे इसके पैकेट्स होते हैं। इस तरह की ये स्टिक्स के वहां पे आपको पैकेट्स मिल जाएंगे, वो स्टिक मैंने इसमें यूज की हुई है। और एक बड़ी स्टिक हमें चाहिएगी। और यहाँ देख रहे हैं आप वेलवेट का कपड़ा मैंने रखा हुआ है, वेलवेट का कपड़े का हम इसमें यूज करेंगे। और साथ ही साथ देखिए आप एक बॉक्स देख रहे हैं, कोई भी बॉक्स आपके पास में जो हो, या इस तरह का कोई प्लास्टिक का डब्बा आपके पास में हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह का कोई भी बॉक्स बहुत तरह के मिलते हैं, आप इस तरह के कोई भी बॉक्स को, रेक्टेंगल बॉक्स है उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम हमारा बॉक्स लेंगे और बॉक्स को हम पूरा हमारे कपड़े से कवर कर देंगे, वेलवेट सैटिन या जो कपड़ा आपको लेना है वो लेकर उससे देखिए इस तरीके से पूरा हमने इसे कवर कर देना है। ग्लू की हेल्प से कर सकते हैं, फेविकोल से लगा सकते हैं, जैसे आपको चाहे वैसे आप इसे पैक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले हम हमारे पूरे बॉक्स को कवर कर देंगे नीटली फिनिशिंग के साथ में, और फिर अंदर इसी तरह से वेलवेट का हम कपड़ा लगाकर इसे चिपका कर तैयार कर देंगे। इस तरह का बॉक्स हमें रेडी करना है। चारों तरफ हम ग्लू लगा देंगे, अच्छे से ग्लू लगाकर पूरा चिपकाकर इस तरह से वेलवेट से हम पूरे हमारे बॉक्स को कवर कर देंगे। अगर आपने कोई प्लास्टिक का डब्बा लिया हुआ है तो आप उसे भी इसी तरह से पूरा आप कवर कर देंगे। ये देखिए हमारा पूरा बॉक्स रेडी हो गया है चिपका के। अब हमें क्या करना है, फैंसी एक लेस ले रहे हैं हम, और ये जो हमारी स्टिक्स है इस पर हम ये लेस चिपका देंगे पूरी। इस तरह से हम शुरुआत करते हैं इसकी। ग्लू लगाकर हमें स्टार्ट करना है इस तरीके से। और पूरी स्टिक पे हमें ये लपेटना है। ग्लू लगाते जाएंगे और इसे इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। इस तरह से हम अपनी चार स्टिक को तैयार करेंगे। हमें चार स्टिक चाहिएगी, चार स्टिक को हम तैयार करेंगे। और एक जो बड़ी स्टिक जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी उस स्टिक पे भी हम पूरे पे लेस को इस तरह से कवर कर देंगे। देखिए हमारी बॉक्स भी रेडी हो गई, स्टिक भी रेडी हो गई। अभी सबसे पहले हमें करना क्या है, इस स्टिक को हम बॉक्स में लगाएंगे। लगाना किस तरह से है, जैसे ये कॉर्नर हुआ इस पर हमने इस तरह से टेढ़े करके स्टिक को लगाना है, और दूसरे कॉर्नर पर हमने इस तरह से, ये देखिए आपस में जॉइंट हो जाए इस तरह से लगाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ आप कॉर्नर पे देख रहे हैं
जॉइंट हो जाए इस तरह से क्रॉस में लगाना है, टेढ़ा करके लगाना है। सेम इसी तरह से दो स्टिक हमने दूसरे वाले कॉर्नर पे भी लगानी है, क्रॉस नहीं करनी है, स्टिक को हमने क्रॉस नहीं करना, इसी तरह से हमने जॉइंट रखनी है, क्रॉस बिल्कुल नहीं करनी है, स्टिक को पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से हमने से ये देखिए इस तरह से इसे जॉइंट करना है हमें दोनों तरफ से। अच्छे से ग्लू लेंगे, ग्लू की हेल्प से हम इसे चिपकाकर इस तरह खड़ा कर लेंगे। ये देखिए हमने चिपका के इसे रेडी कर दिया है, पूरा मजबूती से आप देख रहे होंगे पूरा चिपक गया है अच्छे से। अब हमने क्या करना है, जो बड़ी वाली स्टिक जो हमने रिबन लगाई लेस लगाई थी उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से चिपकाएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हम सेंटर देख लेंगे थोड़ा सा, दोनों तरफ से हमारी स्टिक प्रॉपर बाहर निकली हो, वो माप लेकर आप फिर इसे अच्छे से ग्लू खूब गर्म ग्लू लगाकर फिर आप इसे चिपकाना। अब देखिए हम आगे का डेकोरेशन करेंगे चिपकने के बाद में। ये आपको साइड में मैं दिखा रही हूँ इस तरह से जैसे हमने लगाया है नेट, अब वो डेकोरेशन करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करेंगे। ये देखिए ये जो नेट हमने ली थी इसके हमने टुकड़े कटिंग कर लिए हैं छोटे छोटे, और ये देखिए फैंसी हमने जो बैंगल ली थी सबसे पहले तो हम इस बैंगल को यहाँ चिपका देंगे ग्लू की हेल्प से। ये देखिए ठीक है। अब देखिए अब हम हमारी दो तरह की नेट मैंने ली है, देखिए एक गोल्डन नेट है और एक कलर की नेट है, एक के ऊपर एक हमने इसे रखी है और इसे हम इस बैंगल में से आर पार निकाल देंगे इस तरीके से। हम बैंगल में से इसे आर पार निकाल देंगे और नीचे का हिस्सा ये देखिए नीचे का जो हिस्सा है हमने एकदम इकसार पकड़ लिया है ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी हमारी नेट को भी बैंगल में से निकालेंगे उसी तरीके से, दोनों नेट को हमने साथ में रखा है। आपके पास में बड़ी नेट है कपड़ा है बड़ा वाला नेट का कपड़ा, जैसे मेरे पास तो कटिंग्स थे नेट के, तो आप उस कपड़े के भी छोटे छोटे कटिंग करके इस तरह का आप बना सकते हैं। और ये देखिए हमने इसे साथ में एक सार हमने इसे कर लिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ तो ये चल लग गया है, अब जो ये हिस्सा है ये आप देखिए इस तरीके से देखिए, अब जो ये हिस्सा है इसे हम ग्लू की हेल्प से पूरा नीचे इस तरह से चिटका देंगे और इसे हम इसके ऊपर लेते हुए यहाँ साइड में इस तरह से चिपका देंगे। पूरा चिपकने के बाद में ये देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगा, जैसे हमने इस तरफ का रेडी किया है। क्लॉथ लगने के बाद में दोनों तरफ क्लॉथ लगने के बाद में हम और डेकोरेट करेंगे, उसके लिए देखिए बॉक्स के जो साइड में है इस पर हम ये लेस लगाएंगे इस तरीके से। सिर्फ नीचे की तरफ लगाने वाले हम ये लेस और साइड में भी लगाएंगे, चारों तरफ से हम लगाएंगे लेस। ग्लू की हेल्प से हम इसे पूरा चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे लगाते हुए आएंगे। लेस लगने के बाद में ये देखिए चारों तरफ से लेस लगने के बाद में अब आप देख रहे होंगे गोटे के फ्लावर मैंने यहाँ रखे हैं, बड़े बड़े गोटे के फ्लावर्स हैं, सिंपल है इसे इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे। बड़े फ्लावर हैं तो ये तीन फ्लावर लगाएंगे तो तीन में पूरी कवरिंग हो जाएगी हमारे एरिया। इस तरह से पहले जजमेंट ले लें कितनी दूर पे लगाना है हमें और फिर तीनों फ्लावर्स को हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से और साथ ही साथ में साइड में जो ऊंचा दिख रहा है उसे भी हम पूरा इसे चिपकाकर फ्लैट कर देंगे। ग्लू से हम पूरे गोटे को यहां से चिपका देंगे।
ये देखिए इस तरीके से हम बाकी गोटा भी लगाएंगे और अंदर की तरफ से भी हम पूरा फ्लैट करके से चिपका देंगे, इस तरह से खुला नहीं छोड़ेंगे। ये हम बॉक्स के दोनों तरफ करेंगे, ये साइड में तो हमारे नेट आ गई है तो बॉक्स के दोनों तरफ हम इस तरीके से ये गोटे को पूरा लगा देंगे। ये देखिए गोटा पत्ती के हमारी फ्लावर्स लग गए हैं। अब आप देख रहे होंगे कुछ बूटियां मैंने यहाँ रखी है। अब जो हमने फूल लगाए गोटा पत्ती के वहां हम सब बूटियां लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम बूटियां लगाएंगे। ये मैंने ओवल शेप में लिया, आप राउंड ले सकते हैं या छोटे फ्लावर्स है तो वो ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपके पास में हो वो आप यूज कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बूटी लगा दी, फिनिशिंग भी हो गई और साथ साथ में ये जो हमारी खाली जगह दिख रही है आपको उस पर भी हम इस तरह की ये जो बूटी है वो लगा देंगे। इस तरह से ग्लू की हेल्प से हम चार ये बूटियां लगा देंगे नीचे भी। ये देखिए हमारे बूटियां लग के रेडी हो गई है। अब आप कुछ इसमें लटकन देख रहे होंगे। अब देखिए छोटी वाली जो लटकन है ये वाली, ये सेंटर का जो हमारा पार्ट है इसमें हम लगाएंगे। इस तरह से हम इसे लगा देंगे। और गांठ मारते जाएंगे। जितनी भी लगे, तीन से चार पांच, जितनी भी थोड़े थोड़े गैप पे हम इस तरह से लगा देंगे। अच्छा इस तरह की लटकन ना हो तो आप मोती की लड़ी ले सकते हो, उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये देखिए इस तरह से हम सेंटर में पूरे में लगा देंगे। और ये देख रहे होंगे बड़ी वाली लटकन, आप इसे हम देखिए इस तरह से साइड में लगाएंगे। ये देखिए हमारी पूरी वेडिंग पैकिंग रेडी हो गई है। ये देखिए लटकन के ऊपर हमने छोटी छोटी बूटी लगा दी है और देखिए साइड में जो लटकन लगी है इस पर भी हमने बूटी लगा दी है और पूरा चारों तरफ से डेकोरेट हो गया। अभी देखिए एक्स्ट्रा में हमने यहाँ साइड में एक ही छोटी सी लटकन लगाई है जिसके लुक को और सुंदर कर रही है। बहुत ही आसान तरीके से देखिए हमने आज ये वेडिंग पैकिंग तैयार की है। अब गिफ्ट के लिए वेडिंग में आप इसमें कुछ भी रखकर आप दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं आप, कॉस्मेटिक रख सकते हैं आप, छोटे साड़ी पैकिंग कर सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा डब्बा ले रहे हैं, बड़ा बॉक्स ले रहे हैं आप तो ड्रेस भी उसमें रख सकते हैं, सूट रख सकते हैं। इस तरह की आप फैंसी पैकिंग आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।